सीके वी वी वन, ये सीके वी वन है और ये सीके वी वी वन वाला जो जा रहा है, जो इधर वाला जो कनेक्टेड वायर है, इन दोनों के बीच में शॉर्टिंग हो जाता है। एक्चुअली वायर ऐसे जाता है लेकिन शॉर्टिंग में नीचे आ जाता है, वैसे शॉर्ट कर देता है। सीके वी वन और सीके वी टू के बीच में शॉर्ट कर जाता है, सीके वी टू और सीके वी वी टू के बीच में शॉर्ट कर जाता है। तो ये जो शॉर्टिंग होगा आपको, अगर बहुत ज्यादा शॉर्टिंग होगा, बिल्कुल टच हो जाएगा, तो आपको पैनल में इसका कलर चेंज करता हुआ दिखेगा लेजर के लेंस से। यहाँ पे कलर चेंज दिखेगा, कलर चेंज दिखेगा तो यहाँ पर तो आप कट कर सकते हो, उसको ऐसे कट कर देंगे। लेकिन कुछ पैनल में आपको एक कलर चेंज करता हुआ नहीं दिखेगा, तो शॉर्टिंग रहेगा ना सीके वी वन और सीके वी टू में, वो शॉर्टिंग अगर भयानक शॉर्टिंग है तो आपको पैनल में बिल्कुल दिखेगा, ऐसे शॉर्टिंग रिया रहेगा और ये सब तार टूटा रहेगा। वो आप लेयर से कर सकते हो, वो लेयर से काट के हम हटा सकते हैं। लेकिन कुछ शॉर्टिंग ऐसे होगा जो ऐसे वायर है, ये थोड़ा सा नज़दीक आ गया, ये भी एक तरीके की शॉर्टिंग है, लेकिन लेयर में आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं दिखेगा ट्रैक के कलर में। और जो भयानक शॉर्टिंग रहेगा वो ट्रैक के कलर में दिखेगा, उसे हम कट कर सकते हैं, काट के हटा सकते हैं। एक साइड शॉर्टिंग हमने कट कर दिया, लेकिन जिसमें नहीं होगा उसमें फिर वही ट्रिगर, ट्रिगर देकर जो डीसी सप्लाई से ट्रिगर देते हैं ना, वो करना। तो सर ये सप्लाई कितना सप्लाई देना चाहिए उधर? ये अलग अलग डिपेंड करता है। ये 80 वोल्ट, 60 वोल्ट और 40 वोल्ट, तीन तरीके के शॉर्टिंग होते हैं। अच्छा, एक शॉर्टिंग होता है आपका मेगा ओम्स में, एक शॉर्टिंग होगा किलो ओम्स में, एक शॉर्टिंग होगा आपका ओम्स। ओम्स वाला जो शॉर्टिंग है वो भयानक शॉर्टिंग है, उसमें 40 वोल्ट देना पड़ेगा, 80 वोल्ट से उड़ा देगा। भयानक शॉर्टिंग है तो हमको ऐसा स्पार्क जनरेट करना पड़ेगा कि वो पूरा जला दे। मान लीजिए ऐसे ट्रैक जल गया, ये ऐसे ट्रैक जल गया, इसके बीच में कुछ एक्सप्लोजन करेंगे तभी तो ट्रैक बाहर होगा। एक्सप्लोजन कैसे करेंगे? ज्यादा वोल्टेज देना। और जो कम शॉर्टिंग है, ये कम शॉर्टिंग है, 40 वोल्ट। तो सर पहले हम तो समझ नहीं पाया, कम वोल्टेज देखे देखे देखू क्या? नहीं, आप पैनल पे पैनल आइए, यहाँ पर ट्रैक जा रहा सीके वी वन सीके वी टू, आपने इसको कट कर दिया, मतलब यहाँ से कट कर दिया पीसीबी साइज। अच्छा, अब आप सीके वी वन और सीके वी वी टू के बीच में पैनल ऑफ कंडीशन में प्रोब लगाएंगे, आप मल्टीमीटर चेक कर लो, तो आपको एक रेजिस्टेंस के वैल्यू दिखा रहा है, आप चेक कर लो क्या रेजिस्टेंस है, मेगा ओम में है, किलो ओम में है कि ओम में है। अच्छा, आपको पता चल गया मेगा ओम में, तो 40 वोल्ट का 40 वोल्ट यहाँ पर लगाइए डीसी पावर सप्लाई में, ऑन कीजिए, करेंट दीजिए, वो शॉर्टिंग हट जाएगा, मापना पड़ेगा, वो शॉर्टिंग हट जाएगा। फिर आप इसके बीच में चेक कीजिए सीके वी टू और सीके वी वी टू के बीच में चेक कीजिए, उसमें अगर मान लीजिए आपका ओम रेंज में आ जाता है तो ओम रेंज में आप 80 वोल्ट से आप ट्रिगर दीजिए। सीके वी वी टू और सीके वी वी, सीके वी टू और सीके वी वी टू। अच्छा अच्छा, आप देखो शॉर्टिंग ऐसे ही हो रहा है, सीके वी वन से कनेक्टेड है ये सीके वी टू, अब सीके वी टू लाइन कहाँ पे आ रहा है, सीके वी वन के ऊपर आ रहा है, यहीं पर शॉर्टिंग होगा, यहीं पर शॉर्टिंग होगा, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है वहीं पे शॉर्ट करता है, कभी भी वायर ऐसे ही शॉर्ट करेगा जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, शॉर्टिंग हमेशा वहीं पर होगा जहाँ पे दो वायर क्रॉस करेगा। तो आप यहाँ से वोल्टेज का मेजरमेंट लेके आप लेजर का यूज कर सकते हैं। तो ये लेजर मशीन का पार्ट नहीं है, ये आपका पैनल का पार्ट है, अलग से पैनल के पीसीबी पे आप काम कर सकते हैं। एक चीज और, हम बोलिए क्या बोला है आपको, शॉर्ट किलर है ना? हाँ, वो आपके पास से लेगा, वो ऑर्डर करने ऑर्डर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है पैनल का, एक साथ पाँच छः दिन लगता है, हम लोग को समझते हैं इधर ही नहीं पाँच छः दिन, तो कहीं और भी बनता है, तो हम लोग नहीं बनाते, कहीं से लेके ही बिना। तो ठीक है,
जान पहचान वाला लोग है। हाँ नेट पर तो आता रहता है सर, वो नहीं ले रहा नेट पर तो बहुत, नेट पर तो आ रहा है ना सॉफ्टवेयर का आई ना हाल ही में, कंसेप्ट यही है शॉर्ट किलिंग पे, बहुत मतलब नया कोई वो नहीं है।